सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जूनियर असिस्टेंट और यूकेपीएससी में एआरओ और सीआई सब हेड कॉन्स्टेबल, साथ ही साथ जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं और सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और इसमें जो होता है जो डेटा होता है इंफॉर्मेशन को रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है, लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है। यह जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। देखिए वॉलेटाइल से मतलब है जब हम कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है तो उसमें जो डेटा होता है वो सब डिलीट हो जाता है, या इससे हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील मेमोरी होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रैम दो टाइप का होता है, एक होता है डी रैम दूसरा होता है एस रैम। डी रैम से मतलब है डायनेमिक रैम, एस रैम से मतलब है स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप आपको बताना है इनमें से। रोम का पूर्ण होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है आइए जान लेते हैं रोम के बारे में। तो रोम तीन टाइप का होता है, एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम, तीसरा होता है ई पी रोम। ठीक है आपको ध्यान रखना है रोम तीन टाइप का होता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं कर सकते इसमें हम। ठीक है यह जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, जैसे रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें जब डेटा कभी लाइट चले जाए या कंप्यूटर आपका अचानक से बंद हो जाए तो डेटा उसमें स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी की फुल फॉर्म पूछिए आपको। तो डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एचटीटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए जान लेते हैं अन्य प्रोटोकॉल के बारे में। तो आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। आपको ये सब भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। डॉस का पूर्ण रूप जो हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस का पूर्ण रूप है। देखिए डॉस जो होता है पहले यूज किया जाता है, अब तो विंडो आ गए हैं, तो लेकिन आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको बताना है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आंसर है इसका बिट। बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। देखिए बिट को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, जिसे हम जीरो या वन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जान लेते हैं अन्य इकाइयों के बारे में। तो बिट जो होती है सबसे छोटी होती है, उसके बाद आती है बाइट, और उसके बाद केबी, फिर एमबी, देन जीबी, फिर टीबी, ऐसे आगे को बढ़ते रहता है। आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है जी। आप देख सकते हैं जो सीपीयू होता है यही कंप्यूटर का दिमाग होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल इसी से होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। देखिए कीबोर्ड और माउस जो है दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? जिससे हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और इनके द्वारा ही कंप्यूटर को डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है इसका आंसर। देखिए प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर से हम डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रिंटर से हमें डेटा प्राप्त होता है हार्ड कॉपी में, तो ये भी हार्डवेयर डिवाइस होती है। देखिए हमने देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, विंडो 10 में कंट्रोल प्लस ए किस काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए काम आता है ऑल सेलेक्ट। देखिए विंडो 10 हो या 7 हो या 8 हो, कोई भी हो, सभी में कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट के काम आता है। देखिए बाकी विंडोज की जो शॉर्ट की है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने का काम आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट कट करने के, डिलीट सेलेक्टेड आइटम को, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस इंसर्ट के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए, और विंडो प्लस F2 रीनेम के लिए। ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है शॉर्ट की, तो आपको ये याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी आप और भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, एमएस वर्ड में एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए हम जो वर्ड लिखते हैं उसका साइज अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की भी मालूम होनी चाहिए, जिससे हमारा काम इजी हो सके। तो एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट अगर हम शॉर्ट की दबाएंगे तो एक स्टेप फॉन्ट हमारा बढ़ जाएगा, और एक स्टेप कम करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। ये आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल दोनों में ये यूज होता है, तो ये जो है शॉर्ट की आपको याद कर लेनी है। बाकी ये अन्य शॉर्ट की है एमएस वर्ड की, और यही एमएस एक्सेल में भी यूज होती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।